जम्मू यूनिवर्सिटी में इस समय छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने का इनका इशू जो है वो फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कुछ बच्चों का विवाद हुआ, जिसमें कुछ बच्चों को चोट आई है। उसके बाद ये लोग अभी जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि ये बीए आर्ट्स के बच्चे हैं, डिस्टेंस के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिक सिंह। क्या हुआ, क्या इशू हो गया? इशू ये है कि सर हमारी जो हमें डेट्स मिली हैं डेट शीट की, वो हमारी आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि एक महीने के अंदर ना हम अपना असाइनमेंट्स बना सकते हैं, प्रैक्टिकल दे सकते हैं। हमारा पेपर आ गया सर, आधे बच्चे तो सोच सोच के ही हम नहीं पढ़ पा रहे हैं कि हमारा पेपर आ गया, हमने क्या पढ़ना, हमारे डाउट ही क्लियर नहीं हो गए। हमारे 10-15 दिन क्लासे लगे सर, उससे ना हम स्टडी करेंगे, हमें जो पढ़ाया गया सर हम वो नोट करें, उसको नोट्स बनाएं, उसको पढ़ें, हम क्या करें सर? एक महीने के अंदर सब कुछ कवर नहीं हो सकता है। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है सर, हमें हमारी जो हमारी डेट्स हैं वो नेक्स्ट मंथ को शिफ्ट कर दी जाए। स्ट्रीम के आप लोग किस स्ट्रीम के? सर बी कॉम के, बी ए के, सर सब स्ट्रीम्स के यहाँ पे बैठे हुए हैं, फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं सर सब। डिस्टेंस एजुकेशन के आपके एग्जाम जो है ऑफलाइन होने ऑनलाइन होने? सर वो कह रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम होंगे सारे। आप लोग ऑफलाइन देने को तैयार हो? सर हम सब करने को तैयार है, सिर्फ हमारी इतनी डिमांड है सर, हमारे ऑफलाइन लो ऑनलाइन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि हमें हमारी जो डेट्स हैं वो आगे शिफ्ट कर दी जाए। लगभग कितना वक्त चाहते हैं आपको वक्त मिलना, कितना टाइम मिलना? सर लगभग हमें महीना डेढ़ महीना चाहिए। और चाहिए जी सर? सर हमें मिला ही कितना सर, 15-20 दिन मिले हैं। प्रिपरेशन हुई थी आप लोगों की जो आपको? सर हमारे बच्चों की डिमांड क्या है कि हमारा जो डेट शीट है वो कम से कम भी एक महीना लेट होनी चाहिए। दरअसल बात क्या है कि हमारे बच्चे को टाइम नहीं दिया गया, एक महीना मिला, बच्चा उसमें प्रैक्टिकल करेगा, असाइनमेंट्स करेगा, पढ़ेगा, क्या करेगा? आधे से ज़्यादा बच्चा हमारा, तमाम बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। बात हुई आपकी कि वीसी से बात? हमारा जो लीगल प्रोसीजर चल रहा था वो एक हफ्ते से चल रहा था, बट हमको उसका कोई ठोस जवाब नहीं आया, हमको टाला जा रहा है कि आज होगा, कल होगा, जो भी होगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन था प्रोटेस्ट करने का, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी हुई है, धक्का मुक्की हुई है। हमारे तमाम बच्चों का यही कहना है कि जो हमारे गार्ड्स हैं, रिस्पेक्टिव गार्ड्स जो हमारे, उन्होंने किया। फीमेल स्टूडेंट्स से बदतमीजी हुई है? नहीं, हमारे मेल स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी बदतमीजी हुई है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिस समय ये बदतमीजी? जी, हम अभी पीसफुली हम शांति से जा रहे थे, हम अपने जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे बात करने, बट हमारे तभी हमको पता चलता है कि हमारे जो लड़के हैं, हमारे लड़कों के साथ बदतमीजी हुई, उनके साथ धक्का मुक्की है, मार पड़ी है उनको। किसी को इंजरी वगैरह तो नहीं हुई? छोटी इंजरी हुई है, छोटी मोटी इंजरी सबको आई है सर, जितने लड़के हैं यहाँ पर। यहाँ पर है कोई जिसको इंजरी हुई है? सर बिल्कुल सर, काफ़ी बिल्कुल वहाँ पे आउटसाइड खड़े हैं सर स्टूडेंट, जहाँ पे जिनको इंजरी हुई है सर, हमारे साथ धक्का मुक्की सर, आउटसाइडर आगे हमें मार रहे हैं और गार्ड चुप करके देख रहे हैं। आउटसाइडर आपने पूछा इनसे कौन सर? कैमरे में सब आए। तो साफ तौर पर इनकी ये डिमांड है कि जो इनका सिलेबस है वो कवर अप नहीं हुआ है, एक महीने का समय और मिलना चाहिए। लेकिन इस बात को जब ये रख रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने इन बच्चों को यहाँ से हटने के लिए कहा, जैसे कि इन्होंने फिर एलिगेशन ये लगाया कि कुछ बाहरी जो बच्चे थे उन्होंने इनके साथ मिसबिहेव किया, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी इन्वॉल्व हैं। समय लेने के लिए मांग कर रहे थे डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं, अलग अलग स्ट्रीम के, लेकिन सबकी यही डिमांड है कि हमें वक्त मिलना चाहिए। प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे और ये कह रहे हैं अपनी बाद में कि ये शांति से बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई। बाहरी छात्र थे जम्मू यूनिवर्सिटी से, और अगर ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अगर आपको छानबीन करनी है, और आप सीसीटीवी पीछे आप देख सकते हैं लगा हुआ है, तो उसमें वो फुटेज निकल सकती है कि कौन स्टूडेंट थे जिन्होंने इतना मिसबिहेव किया, और अगर कोई गलत तरीके से इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। तो फिलहाल ये बच्चे यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन वक्त चाहिए पढ़ाई के लिए, हालांकि एग्ज़ाम देने के लिए ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो हर किस्म से तैयार हैं। समय मांग रहे हैं कि समय मिलना चाहिए, आपने डेट शीट निकाल दी है तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिला है, उसको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन प्रदर्शन में कुछ लोग जब इन्वॉल्व हुए तो उसमें बच्चों के साथ धक्का मुक्की हो गई। अब ये मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिन्होंने ये पूरी हरकत की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुरुजन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम जमा।